भारी बारिश और सूखे के कारण जहां किसानों को नुकसान हुआ है, वहां एक फसल बीमा से 25% सहायता अंतरिम मदद की प्रदान की जाएगी। अगले 5 से 6 महीने के बाद ई पंचनामा प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। भारी बारिश हो या प्राकृतिक आपदा, सबके लिए प्रदेश में ई पंचनामा शुरू होगा, ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान धनंजय मुंडे की ओर से पत्र परिषद के दौरान दी गई है। बारिश 65 mm के कारण उससे ज़्यादा हुई, उसके कारण जो फसल का नुकसान हुआ वो 25% कॉरपोरेशन का पी बीमा कंपनी देगी, और जहाँ पे बारिश नहीं हुई है वहाँ पे, जहाँ 21 दिनों का बारिश का खंड है वहाँ पे भी किसानों को 25% यहाँ अग्रिम दिया जाएगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है और सभी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने ये तय किया है, उनको ये 25% देना पड़ेगा। उसके बावजूद जहां ज़्यादा बारिश हुई है 65 mm के बाद सितंबर महीने, मतलब पिछले महीने में, वह उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है और बीच में वापस से कई जगहों पे बारिश ना होने के कारण जो फसल पूरी तरह से नुकसान हो गया है, उसको भी हम इसी तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस में भी बिठाएंगे और उसके साथ साथ हम SDRF NDRF के नॉर्म्स में भी बिठाने का ये तय हुआ है, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। मतलब अगर थ्रेशोल्ड के भी बराबर है तो भी 25% देना ही पड़ेगा। देखिए ये तो इंटरिम है, ये जो 25% हम दे रहे हैं ये एडवांस दे रहे हैं जो इंश्योरेंस का फाइनल क्रॉप इंश्योरेंस जब होता है, जब पूरी तरह से फसल काटी जाती है और वो फसल कटने के बाद किसानों को उस फसल से क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है, फसल किस तरीके से आनी चाहिए थी, किस तरीके से इस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नहीं आई है, उस कारण को देखते हुए अंतिम क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आज का नुकसान देखते हुए 25% जो जून में बारिश गिरी है उस कारण से, और अभी सितंबर में जिस तरीके से जहां पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें विदर्भ का बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा जिले है उनमें वो भी पैसे मिलेंगे, और ये ज़्यादा बारिश की वजह से SDRF और NDRF के नॉर्म्स में भी पैसे मिलेंगे। वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है जिसमें हर फसल के लिए अलग अलग तरीके की मुआवजे देने की वहाँ पे ऑलरेडी उसमें तरतूद है।